अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आप सबको तो पता है कि बकरा ईद की आमद आमद है। इस हवाले से आज का शो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज मौजूद हूँ टीजे कैटल एंड गॉट फॉर्म में। अच्छा, ये जो है वो मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो ये कौन सी नस्ल है? ये भी हमारे पंजाब की नस्ल है। अच्छा, और ये समझे कि कराची में 95% लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। अच्छा। कराची में बिकता ही जो है ये वाइट, और इसका पिंक नोज है जैसे आप देख रही हैं, ऐसी पिंक सींगे, वाइट इसकी धूम है। ये सबसे हॉट कैश आइटम होता है कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, खास तौर पे जो हमारे मेमन भाई हैं, मेमन भाइयों को ये बहुत पसंद आता है। बकरों की बात करें बकरों में भी वाइट, बछड़ों की बात करें तो बछड़ों में भी वाइट। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने रखा है दोबाज। दोबाज जी। नाम दोबाज है। ओके, और कुछ? अब जैसे ये हमारा ये बछड़ा है, ये प्योर साहिवाल के अंदर है, जो हमारा पंजाब में साहिवाल है। अच्छा, क्या नस्ल क्या है? ये साहिवाली नस्ल कहलाती है, साहिवाल बछड़ा। और ये भी बिल्कुल अभी समझेंगे यंग है, और अच्छा। इसने भी दांत तोड़े हैं बछड़े ने। अच्छा। इसकी उम्र भी तकरीबन 2.5 साल है। अच्छा। तो ये अगर अगले साल इसको हम रोकते हैं तो ये इंशाल्लाह बहुत जाइंट साइज में तैयार होगा, अल्लाह इसको जिंदगी दे। नस्ल में बहुत अच्छा है बछड़ा ये। अब इसके बाद आ जाए, अब यही दोबारा एक पिंक नोज आ गई। तो ये दोनों सेम है या इनमें फर्क है? नहीं नहीं, फर्क है दोनों। अच्छा, ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। अब ये भी सबसे ज्यादा हॉट कैश और बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है। अच्छा, इसको हर बंदा अट्रैक्ट, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस पे। अच्छा है भी ये बड़ा मासूम, ये कहते भी कुछ नहीं है, तो बच्चे और ज्यादा जो है इसमें इसको पसंद करते हैं। इसकी क्या नस्ल क्या है? ये भी पंजाब हमारा देसी ब्रीड है सारी। ओके, इसका भी कोई नेम वगैरह रखा हुआ है? इसका हमने गुलाबी किंग नाम रखा है। गुलाबी किंग जी। तो ये हम ये समझें कि ये यहाँ का किंग है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबका ही किंग है माशाल्लाह। ये सबका ही किंग है। और ये वाला जो है ये हमारी प्योर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ओके, इसकी क्या खासियत क्या है? इसकी खासियत ये होती है कि अगर इसको हम ब्रीड में इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये मिल्किंग में बहुत अच्छी हैं। अच्छा। इनका मिल्क रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा इनका रेशो होता है आम, मतलब हमारे लोकल ब्रीड के मुकाबले में। अगर लोकल ब्रीड वाली गाय हमारी 10 लीटर दूध देती है तो ये 20 से 25 लीटर दूध पे आ जाती है। इसकी आईज भी है आई थिंक कोई वाइट जी, दो इसका पूरा मुंह वाइट है और ये पूरी ब्लैक है। और इसकी एक क्वालिटी है कि ये अभी तक खीरी है बछड़ी। Okay. और ये 16 मन वजन के अंदर है। 16 मन? 16 मन पे ये भी लाइव वेट में खड़ी हुई, और ये माशाल्लाह भी इसने दांत तोड़े नहीं है बछड़ी ने। अभी देखते हैं कि ये कुर्बानी के टाइम पे दांत तोड़ती है नहीं तो तोड़ती। इसकी क्या प्राइस है अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो? ये वैसे तो हमारे पास से सेल हो चुकी है, मगर इस बुनियाद पे सेल हुई है कि भाई इसने दांत किए कुर्बानी के लिए तैयार हुई तो आपकी, नहीं हुई तो हमारी अमानत हमारे पास, इस बेसिस पे सेल हुई। सही। जैसा ये बर्मन ब्रीड है, अब जैसे हमारी ये बछड़ी है ये बर्मन ब्रीड में से है, ये हमारी लोकल देसी ब्रीड से बनाई हुई ब्रीड है, बर्मन बछड़ियाँ ये। और ये इनकी दुम छोटी होती है, इनकी नाम झालर बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। और ये लेंथ में और हाइट में बहुत अच्छी आती हैं, और इनकी इनको बर्मन को देखते इस तरह के बर्मन के कान जो है ना वो खड़े नहीं होते, जैसे उसके कान देखें खड़े हैं। Okay. इसके कान गिरे रहते हैं। ये क्यों? ये इसकी ब्रीड है। Okay. ये इसकी ब्रीड है। Okay. और इसमें जो और प्योरिटी में आते हैं उनके तो बिल्कुल ही हर वक्त ही जो है बकरों की तरह जो है कान गिरे हुए। अच्छा, ये जो जानवर है इसके फेस के ऊपर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो रिंकल्स हैं, ठीक है, तो ये क्यों? इसकी ये भी कोई खासियत है या फिर? अच्छा, ये रिंकल्स आप कहनी है वैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में ना इसको हम कहते हैं चेहरे के वट देखो। अच्छा, ये वट कहलाते हैं। ओके। मतलब ये नरों में ज्यादातर होते हैं। अच्छा। फीमेल में इस तरह नहीं होता। अच्छा, तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं चेहरा, मतलब रोबदार अगर चेहरा हो ना बछड़े का तो बहुत पसंद किया जाता है। तो ये भी लोग पसंद करते हैं? ये भी बहुत अच्छे खूबसूरत प्रिंट में बछड़े हैं माशाल्लाह, और इनका नाम है चोको मोको। चोको मोको जी, ये चोको हैं, ये मोको हैं, ये चोको हैं और ये मोको हैं।
क्या ये है, इसकी आईज भी जो है वो इसी के ब्राउन जो शेड है ना इसी कलर में इसकी आईज भी है। ओके ये क्वालिटी है दोनों पिंक नोज में है। ठीक है सुल्तान नाम है इसका और इसका इसकी हाइट का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि ये मेरी हाइट 6'1" है और इसका तकरीबन मेरे कंधे पे ही आ रहा है दूसरा। तो ये वैसे अगले साल की कैटेगरी है हमारी, अगर हम अपने तजुर्बे के हिसाब से बात करें ना ये नेक्स्ट ईयर इस बछड़े का मजा आएगा सही। अच्छा अभी मतलब नहीं जा रहा है, मजा नहीं कराएगा बछड़ा। अच्छा ये अगले साल अपना पूरा कलर भी चेंज करेगा इंशाल्लाह और ये हाइट भी करेगा बहुत अच्छा। अच्छा कलर भी चेंज होता जी है? कलर इनके बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। अच्छा कम से कम भी एक बछड़ा साल में 2-3 दफा कलर चेंज करता है अपने। ओके तो ये वही अगले साल की कैटेगरी का बछड़ा, अगर ये साल बिकता है इंशाल्लाह, अगर बिकता है तो अच्छी बात है, नहीं बिकता तो फिर अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ये भी बता दीजिए कि क्या प्राइस है इसकी। इस बछड़े की डिमांड हम जो है 25 लाख रुपए कर रहे हैं। अच्छा और ये दांतों में अभी 2 है बछड़ा। वेट भी बताएं इसका? वेट इसका 20 मन है बछड़े का लाइफ वेट। स्किन भी इसकी जो है वो काफ़ी स्मूथ सी है। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर तो आप इन जानवरों में इंटरेस्टेड हैं स्पेशली इस वोस्की में, तो इनका एड्रेस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुर्बानी कीजिए, ईद मनाएं, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।